ओ हेलो बेबी, क्या तुम क्ले से कुछ बना रही हो? हाय, मैं कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बना रही हूँ। देखो ये एक बर्गर है। ओह, लगता है तुम इसे खा नहीं सकती, ये क्ले है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए खाना कौन बना सकता है? मुझे पता है कौन, दादी शेफ बहन। मुझे खाना है, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है, मुझे भूख लगी और मैं गुस्से में हूँ, तो आप एक चैलेंज में जा रहे हैं। आप बेबी लीला अपनी मनचाही डिश बनाएगी। तुम्हें क्या चाहिए? ओह यह जेली है। चलो बनाएं। सब तैयार है। यह एकदम आसान है। अब मैं सबसे अच्छी जेली बनाऊंगी। मैं सभी आवश्यक सामग्री डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्सर किसी भी कुक का सबसे अच्छा दोस्त होता है। वाह, कितना सुंदर लाल रंग है। अब मैं इस जेली को एक गोल केक मोल्ड में डालने जा रही हूँ। मेरे पास केक के 5 रंगीन परत है। अब केवल इस पर कुछ स्वादिष्ट डेकोरेशन करना बचा है। यहाँ निश्चित रूप से काफी रंगीन और मीठे स्ट्रॉबेरी होंगे। क्रीम को तो नहीं भूल सकते, मैंने कितनी स्वादिष्ट क्रीम बनाई है। बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और ऊपर से चेरी मतलब स्ट्रॉबेरी। अद्भुत। ओह कितना बेस्वाद। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? मेरे पास सब कुछ नेचुरल है। मैं जेली के लिए अपना खुद का जैम लूंगी। बेबी लीला को दादी का जैम पसंद है, इसलिए जेली खराब नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ मिलाते हैं। हाँ मैं देखती हूँ, यह सांचे में डालूंगी। हाँ यह मिल गया। ओह दादी, आपकी जेली स्वादिष्ट लगती है। क्या यह स्ट्रॉबेरी जैम से बना है? छींक आ रही है। हर कोई नीचे हो जाओ। उफ दादी, आपका चश्मा जेली में गिर गया है। क्या चश्मा गिर गया? चलो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। कहाँ फ्रिज कहाँ है? ओह शायद वहाँ। क्या कोई ओवन बंद करना भूल गया? इतनी गर्मी क्यों है? फ्रिज कहाँ है? कितनी तेज हवा है, खिड़की बंद करो नहीं तो मेरी पीठ में ठंड लग जाएगी। ओह क्या कोई तूफान आने वाला है? मैं उड़ रही हूँ। ओह तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं एक गमी लूंगी। अगर स्टोर में पहले से तैयार जेली है तो परेशान क्यों हो? और इसे बनाए क्यों? ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह मैं खुद ही सब खा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बेबी के लिए बचाना होगा। अब मैं अपने छोटे भालू को केक के आकार में रखने जा रही हूँ। मैं गमी से बना एक केक बनाने जा रही हूँ, ये बहुत प्यारा है। अरे दादी वापस आ गई। बढ़िया है। क्या हम आपके डिश को चखना शुरू कर सकते हैं? क्या हर कोई तैयार है? दादी चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। कैंडी जेली के साथ दादी की मदद करो। हाँ सब तैयार है, चलो इसे ट्राई करें। वाओ कितना प्यारा जेली है, खास करके फेवरेट गमी बेयर से बना। मुझे ये चखने दो। ओह कितना स्वादिष्ट, मैं एक बाइट लेना चाहती हूँ। क्या ये अंदर से खाली है? फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो आगे क्या है? यह क्या है? यह जेली बहुत अजीब लगती है, ये बहुत लचीली है। चलो इसे फोक से काटती हूँ, लेकिन ये किसी तरह से हो नहीं रहा है। हटाओ, मैं अपने हाथ से करती हूँ। इस तरह से बहुत ही आसान और जल्दी होगा। मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, अंदर कुछ है। अरे मेरी जेली में चश्मा क्यों है? दादी क्या ये आपके हैं? इसे ले लो। क्या मुझे जहर देना चाहती थी? ओह मेरा चश्मा। हुर्रे दादी, बच्चा गुस्से में है। क्या किसी ने स्वादिष्ट बनाया है? ओह ऐसा लगता है इस केक को जीतने का हर मौका है। चलो जल्दी खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, यह अद्भुत लग रहा है, स्वाद बहुत अच्छा है। यह हूँ ना बात, मैं इस केक को चुनती हूँ। तो इसके आसपास तक भी नहीं है। पहली जीत पर बधाई। तो तुमने क्या ड्रॉ किया है? मार्शमेलो। ठीक है, हमें मार्शमेलो बनाने की जरूरत है। क्या सब तैयार है? ओह बेशक मैं कर सकती हूँ। कैसा सवाल है यह। अच्छा होता कि तुम पूछती कि मैं क्या नहीं कर सकती। मैंने चॉकलेट लगा दिया, उसके ऊपर से मार्शमेलो और अब फ्रिज में रखने जा रही हूँ। उफ मुझे माफ करना। ओह यह रहा ओवन। बस मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। हाँ अब थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अभी मेरा फेवरेट टीवी शो आ रहा है, मैं उसे देखती हूँ। उसमें निक ने एक लड़की को चूमा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास मार्शमेलो का पूरा बैग है। मैं कुछ प्यारा बनाने की कोशिश करूँगी। ओह यह प्यारा मार्शमेलो बनी है, कितना प्यारा।
इसे खाने में भी दया आएगी। और वहाँ शेफ क्या कर रहा है? मैंने पहले ही मार्शमेलो चुना है क्योंकि मैं केवल अच्छी गुणवत्ता वाले चीजों का उपयोग करती हूँ। तो मेरे स्पाइरल मार्शमेलो को मीठे लिक्विड कैंडी के साथ चिपकाना होगा, फिर मुझे मार्शमेलो का रोप मिलेगा, बहुत ही मजबूत और लंबी सी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वादिष्ट मीठा होगा। आप अपनी उंगलियों को चाटेंगे। वाह शेफ, आप इतनी प्यारी रस्सी के साथ किसे पकड़ने जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? ओ, ये रस्सी नहीं है, मार्शमेलो सांप लगता है। खैर, अगर कैंडी मेरे हाथ में तो ये मेरा है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओ नीक, तुम ये भयानक कॉफी को जहर के साथ क्यों पी गए? तुम मुझसे पूछ सकते थे, मैं तुम्हारे लिए बना देती। मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। ओ, मेरा मार्शमेलो तैयार है। मुझे एक मीठी स्वादिष्ट गंध महसूस हो रही है। कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। जीत निश्चित रूप से मेरी होगी। क्या हर कोई तैयार है? दादी जल्दी करो, बस तुम्हारा इंतजार है। बेबी टेस्ट करना शुरू करती है। वाह, सब कुछ कितना सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, क्या वो मार्शमेलो लॉलीपॉप है? क्या यह छड़ी पर मार्शमेलो है? वास्तव में अच्छा है, इतना बड़ा। और अब इसको ट्राई करती हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ एक फोक है इसलिए इसी से खाना होगा। आओ इसे आजमाए, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है मार्शमेलो से। वाह, ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा गर्म है, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अब आगे बढ़ती हूँ। क्या ये मार्शमेलो बनी है? ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं उनके साथ खेलूंगी, लेकिन मुझे इसे खाना होगा। आप किस तरह की बनी पसंद करती हैं? अजीब, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस पर 100,000 लाइक्स लगाऊंगी। मार्शमेलो बनी जीत गया। हुरे कैंडी, बधाई हो, तुम इस लेवल पर सबसे अच्छी हो। इस बार क्या है? वाह, बच्चा आइसक्रीम चाहता है, हर कोई बना सकता है। मैं देख रही हूँ कि शेफ के लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो खाना बनाने से संबंधित है। बिल्कुल, तो अच्छी आइसक्रीम के लिए अच्छी दूध चाहिए, और यहाँ गाय है। हाँ, मैं ये दूध ले लेती हूँ, धन्यवाद। ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला दूध है। अब बिना किसी शक के आइसक्रीम बना सकते हैं। केवल दो सामग्रियों की जरूरत है, दूध और चीनी, हमारे बच्चे के लिए जीवन को मीठा बनाने के लिए। मत भूलो कि इसे सॉफ्ट होने तक सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तैयार हो गया है, ये मेरा आइसक्रीम बनाने का मोल्ड जिसमें हम ध्यान से तैयार मिक्सचर को डालते हैं। बढ़िया, मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं शेफ के सीक्रेट्स का उपयोग करूंगी। बस किसी को बताना मत, मेरे पास एक विशेष तरह का रेडीमेड कोल्ड लिक्विड है। मैं तुम्हें रेसिपी नहीं बता सकती, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन देखो यह कैसे काम करता है। तो फिर से शेफ के पास कोई प्रोडक्ट की जगह किसी प्रकार का केमिकल है। मैंने पहले ही आइसक्रीम मिलाई है, और अब मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ। मैं आटा और दूध को अंडे के साथ अच्छी तरह से मिलाऊंगी, और अब मैं इसे वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। बच्चे को यह जरूर पसंद आएगा, आइसक्रीम और एक फेवरेट वॉफल होगा, है ना? अच्छा, इसे एक ग्लास में डाल देते हैं। ओह, मैं एक इम्पोर्टेंट बात भूल गई, आइसक्रीम को फ्रीज करना। हम आइसक्रीम को फ्रीजर में डालते हैं और जमने का इंतजार करते हैं। पिघली हुई आइसक्रीम किसी को पसंद नहीं होता है। ओके। छी, दूध गंदा, स्प्राइट ये तो अलग ही चीज है। अब मैं इसे फ्रीज करूंगी और स्प्राइट के स्वाद के साथ एक मीठा स्वादिष्ट आइस लूंगी। ओ दादी, क्या आप सो गई थी या कुछ और? मैंने थोड़ी झपकी ले ली, मेरी आइसक्रीम तैयार है, तुम अपनी रख सकती हो। ठीक है, तो हम बोतल रखते हैं और इंतजार करते हैं। कितना खाली समय है, हुर्रे! तो आइसक्रीम पूरी तरह से जम गई है, अब हम इसे पिंक ग्लेज में डिप करते हैं। ये तो उसे जरूर पसंद आएगा, उसका पूरा कमरा सिर्फ गुलाबी और गुलाबी है। मैंने आइसक्रीम बनाई, मैं जरूर जीतूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो छोड़ो शेफ, तुमने अभी तक मेरी आइसक्रीम नहीं देखी है, घर का बना, बिना केमिकल्स के, दूध के साथ। मेरी माँ ने मुझे ये रेसिपी दी थी, कितना टेस्टी आइसक्रीम है, एकदम बचपन का स्वाद। ओह दादी, चम्मच मत चाटो। हाँ, मेरा ये स्प्राइट जम गया है, बहुत बढ़िया। मुझे इसे कैसे बाहर निकालना चाहिए? पता नहीं। मेरे पास हमेशा एक आइडिया होता है, तो अब हम एक चेनसॉ के साथ सब कुछ काट देंगे। वाह, हटो यहाँ से बोतल। लगता है हो गया। क्या सब तैयार है? कूल, अब इसे चक्कर बताओ।
क्या मैं खा सकती हूँ? मैं इतने लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन यह थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या मेरी बहन ने कुछ टेस्टी बनाया है? ओह, इसका स्वाद स्प्राइट की तरह था, लेकिन यह गिर गया। उफ, सॉरी कैंडी। वाह, कितने प्यारे आइसक्रीम है, मुझे कौन सा लेना चाहिए? बेशक यह पिंक वाला, बहुत प्यारा और क्यूट लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। आइसक्रीम सुपर है। यहाँ क्या है इस ग्लास में? वनीला कोन, स्वादिष्ट लग रहा है, मैं यह खाती हूँ। बहुत टेस्टी है, यह तो कमाल की आइसक्रीम है। जीत निश्चित रूप से इसकी होती है। दादी, आप जीत गई, मुबारक हो। और बाकी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए।